हाय फ्रेंड्स, चिकन चंगेजी, चिकन अफगानी, चिकन कोरमा, ये सब खा खा के आप बोर हो चुके हो तो आप इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मसाला चिकन यानी कि चिकन ग्रेवी। तो इसके लिए हमने लिया है एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर करके धनिया पाउडर, और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर करके हम कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा 1/2 छोटा चम्मच, और 3-4 हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है, कूट कर इसमें मैंने डाल दिया है। अगर आपका पास टाइम ना हो तो आप इसका पेस्ट बना लें या फिर इसे बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दें। कूटे हुए मिर्चों से क्या होता है, आपका टेस्ट जो है चिकन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच भर करके मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। आप चाहे तो मार्केट में जो भी गरम मसाला, मीट मसाला मिलते हैं, बस इसे इसमें डाल दें। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को और आपको भी बनाने में बेहद आसान लगेगी। जब मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी तो आपको पता चलेगा कितना आसान ये रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चिकन लिया, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसमें हम अच्छे से वॉश करके चिकन को, सारे चिकन को इन मसालों में हम डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि जो भी मसाले हैं चिकन में अच्छे से अंदर अंदर तक चले जाए। चिकन को मसाले में अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 5 से 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कढ़ाई, और कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल। ऑयल हम लेंगे यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच, और इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर में। आप चाहे तो छुरे की मदद से बारीक बारीक कट कर ले, ऑमलेट कट बिल्कुल बारीक बारीक से आप कट कर ले। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे डार्क गोल्डन कलर नहीं करना, ना ही फिर ज़्यादा लाइट, बस ट्रांसपेरेंट कलर हो जाए, हमारे ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज का, और प्याज का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। हमें इतने देर तक इस प्याज को भूनना है। ये देखिए, जैसे जैसे प्याज भूनना स्टार्ट होगा ऑयल आपको दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर होता है वो कम होता चला जाता है। तो जब आप प्याज डालेंगे तो आपको लगेगा ऑयल कम लग रहा है, लेकिन आपके जब प्याज भूनना स्टार्ट हो जाएंगे ट्रांसलूसेंट कलर आ जाएगा। बस इतना देर तक आपको भूनना है, हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पिंकिश कलर हो जाए इतना देर तक हम इसे भून लेंगे। बस इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, इसमें अब हम डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को मैं बार बार कह रही हूँ, ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। ये मसाला चिकन मेरे घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। सभी लोग बहुत ही फरमाइशें आती हैं कि आप मसाला चिकन बनाएं। तो आज भी बच्चों के लिए मैंने ये बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ये इस रेसिपी को। ये देखिए, बस आपको 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी आप कम ही डालें, चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 करीब से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से थोड़ा पानी, जितना आपको थिक चाहिए उतना उस हिसाब से आप पानी को डाल दें। 700 ग्राम चिकन के लिए यहाँ पर इतना पानी परफेक्ट है, क्योंकि आगे भी कुछ और चीज़ें जाएंगी। ये देखिए, अब हम इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे
ये देखिए हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब बस हम इसे अच्छे से स्टेयर करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना लुक वाइज कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े के लगता है। तो अब हम इसमें डालेंगे हम दही। एक चम्मच दही को आप अच्छे से फेंट लें, इसमें कोई लम्स ना हो, दाने कुछ भी नज़र नहीं आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप इसे फेंट लें। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट कर इसमें हम डाल देंगे। और दही डालते वक्त आप फ्लेम को करें बिल्कुल लो, वरना आपकी दही जो है वो फट सकती है। यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा चम्मच दही लिया है और इसे डालकर अच्छे से मिला लेंगे। चिकन खाना सबको पसंद आता है और मुझे पर्सनली चिकन बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है इसका और ज़्यादा देर भी, टाइम का भी बहुत ज़्यादा बचत होता है। और अब हम अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढक के फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे मध्यम आंच पे पकने देंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार इसे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अच्छी अच्छी सारी तरह से जो रेसिपी हमारी आपको मिलती रहे। ये देखिए अब हम इसे अच्छे से मिलाते हुए थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन मसाला रेडी है सर्व करने के लिए। थैंक यू।